तो देखिए, आज हम फाइलम पोरिफेरा की शुरुआत करेंगे। दिस इज द फाइलम बिलोंग्स टू इनवर्टिब्रेटा। फाइलम पोरिफेरा आर द लोवेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स बिलोंगिंग टू द किंगडम एनिमेलिया। सो आप देख सकते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, कई सेल्स का बना होता है, और ये एनिमेलिया का सिंपल जो एनिमल्स है उसमें मेंबर है। द वर्ड पोरिफेरा मेनली रेफर्स टू द पोर बियरर्स और पोर बियरिंग स्पीसीज। इनकी बॉडी जो होती है, शरीर, उसके ऊपर इतने सारे छेद रहते हैं कि अंदर पानी घुसता है। तो पोरिफेरा वर्ड का पोरी मीन्स पोरस, पोरस मीन्स पोर बियरिंग स्पीसीज, कॉमनली नोन एज स्पंजेज। इन इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उनको स्पंज के नाम से जानते हैं। मोस्टली मैरीन एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स, एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ये मैरीन होते हैं, मतलब समुद्री पानी में पाए जाते हैं, एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट, व्हाट का टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन पोरिफेरा? द आंसर इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इसकी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर्स फ्रॉम माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। इसमें जो छोटे छोटे छेद रहते हैं पूरी बॉडी पर, इसको ओस्टिया कहते हैं। इन द बॉडी वॉल इन टू ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। और इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो स्पॉन्जोसील होती है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट, वॉट इज द फंक्शन ऑफ द कैनाल सिस्टम, वॉट इज द रोल ऑफ द कैनाल सिस्टम? It helps in gathering of food, respiratory exchange and removal of waste. The next one is choanocyte or colon cells line the spongocoel and canals. इसमें जो special cells होती है उनको choanocytes के नाम से जानते हैं। इनमें जो digestion होता है that is intracellular. The body is supported by skeleton made up of spicules or spongine fibers. इसकी body के अंदर एक सिंपल स्केलेटन होता है जो स्पीक्यूल, स्पीक्यूल ये कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, और स्पॉन्जिन प्रोटीन के फाइबर्स का बना होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें मेल और फीमेल कंबाइंड होता है, इसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, उभयलिंगी। मींस स्पर्म्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। स्पंजेस आर रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें देखिए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स है साइकॉन, इसको साइफा के नाम से जानते हैं। स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है, यू स्पंज, इसको बाथ स्पंज कहते हैं। इसका जो यूज करते हैं जब हम नहाते हैं तो मेल उतारने के काम आता है। यूप्लेक्टेला, इसको वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। जापान में जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को ये गिफ्ट देता है, तभी शादी को माना जाता, नहीं तो नहीं माना जाता। ये आपके स्पंजेस दे रखे हैं, साइकोन है, यू स्पंजिया है, स्पंजिला है ना, ये इनके नेचुरल ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है। अब आ जाइए सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। द सिलेंट्रेट्स आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन ऑर्गेनिजम्स। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर मैरीन, ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं। द बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, इसकी बॉडी जो होती है रेडियल सिमेट्रिकल होती है, इसको किसी भी एक्सिस पर, किसी भी प्लेन पर इसको इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है। एग्जिबिट अ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द अनदर क्वेश्चन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। देयर माउथ इज सराउंडेड बाय सेंसरी टेंटाकल्स, इसके माउथ होते हैं, उनके पास में टेंटाकल्स होते हैं, वो सेंसरी नेचर के होते हैं, विच हेल्प्स टू कैप्चर देयर प्रे। दीज आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन, देखो ये पानी में मिलेंगे, समुद्री पानी मिलेंगे, सेसाइल होते हैं, जमीन पर चिपके भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। इसके अंदर जो सेल्स होती है उनको नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, व्हाट इज द रोल ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स?
ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स है इसका यूज क्या है? यूज फॉर एनकरेज, चिपकने में सहायता करता है, डिफेंस, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार करने में मदद करता है। इट एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। इनकी बॉडी में अपने एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है। इट हैज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टॉम, और इसमें जो ओपनिंग होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, वो सिंगल ओपनिंग होती है, और माउथ को अपन हाइपोस्टॉम कहते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। देखो पोरिफेरा में इंट्रा सेलुलर था, यहाँ दोनों हो गए। सम निडेरियंस लाइक कोरल्स हैव ए स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। निडेरियंस जो होता है उसकी जो है उस बॉडी में दो टाइप के बेसिक फॉर्म्स होते हैं। इन बेसिक फॉर्म्स को अपन पॉलिप और मेडुसा के नाम से जानते हैं। द पॉलिप इज ए सेसाइल। पॉलिप जो होता है ये जमीन से चिपका हुआ रहता है, स्थाई होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है, लाइक द हाइड्रा एंड एडम्सिया। वेयर एज द मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड। मेडुसा जो होता है इसकी आकृति जो होती है अपने छाता जैसी, अम्ब्रेला जैसी होती है, एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया एंड जेलीफिश। तो देखिए पॉलिप जमीन से चिपका रहेगा, मेडुसा फ्री स्विमिंग होगा। ओरेलिया और जेलीफिश में इसको देखा जा सकता है। दोस निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी एसेक्सुअली एंड मेडुसी फ्रॉम द पॉलिप सेक्सुअली, एग्जाम्पल ओबेलिया। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। फाइसेलिया, फाइसेलिया का दूसरा नाम है पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ये पुर्तगाल का समुद्री योद्धा भी कहता है इसको। एडम्सिया, इसको सी एनिमोन कहते हैं। पेनेटुला, इसको सी पेन कहते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक ए पेन। गोरगोनिया सी फैन कहते हैं, समुद्री पंखा। एंड मैंड्रीना, इसको ब्रेन कोलर के नाम से जानते हैं। या आप यहाँ पे देख सकते हो इनके फिगर्स दे रखे हैं। और एलिया के अंदर ये आप देख लो, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेडुसा है, और ये एडम्सिया है, ये पॉलिप स्टेज है, और ये नीडोब्लास्ट की स्ट्रक्चर दे रखी है। ये कुछ रियल एग्जांपल्स, रियल फोटोग्राफ्स दे रखे हैं यहाँ पर, जो फाइलम निडेरिया के मेंबर्स होते हैं। अब आ जाइए फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स आर फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का मतलब ये तैरते रहते हैं पानी के अंदर, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है आर पार दिखता है, इसमें से ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, मैरीन समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, बाई रेडियल सिमेट्रिकल होती है। इनकी बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है केवल, कॉम्ब लाइक्स सीलियरी प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, और इसके अंदर सीलियरी प्लेट्स होती है लोकोमोशन करने के लिए, गति के लिए। द लेसो सेल्स बट नेमेटोसाइट्स आर वांटिंग। दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। इनको समुद्री अखरोट, सी वॉलनट भी कहते हैं, कॉम जेलीज भी कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स। इसकी बॉडी के ऊपर सीलियरी कॉम्प्लेट्स होती है, उनकी संख्या 8 होती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ। बायोल्यूमिनेसेंस, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ग्रुप। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव प्रदीप्ति। इनकी बॉडी अपने आप शाइनिंग मारती है, यूं कह सकते हैं अपन, चमकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें भी मेल फीमेल एक ही बॉडी में होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सेक्सुअल मीन्स, और इनमें रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इज प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। देखिए यहाँ पे प्लूरोब्रेकिया पाइलियस दे रखा है यहाँ पर। इसकी बॉडी प्लेट्स ये है, ऐसे डिजाइंस रहती है। देखो इसको कलरफुल तो जानबूझ करके बना रखा, बट दिस इज ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सुंदर एनिमल है सभी। फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस। इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिंथीस मीन्स वर्म्स। प्लेटीहेलमिंथीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, एसिलोमेट होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं विद ऑर्गन ग्रेड और कंस्ट्रक्शन। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? ऑर्गन्स। विदाउट ए डेफिनेट एनिस,
इसमें सर्कुलेटरी स्केलेटल और रेस्पिरेटरी सिस्टम बट प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड मेसेनकाइम फिलिंग द स्पेस बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है वो चपटी होती है, जैसे अपने पेड़ का पत्ता होता है उसकी तरह, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो है पैरासाइट के रूप में रहते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर एंड एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर। अगला देखिए, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इसके अंदर देखो बॉडी सरफेस जो होती है उसी से ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनमें स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। इनमें फ्लेम सेल्स होती है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। एंड एक्सक्रीट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। प्लेन एरिया शोज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये प्लेन एरिया अपन ने पहले भी पढ़ा था, जिसमें जो रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई रहती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैटवर्म्स आर टीनिया, दिस इज ऑल्सो नॉन एज टेप वर्म, फैशियोला हिपेटिका, दिस इज लीवर। इनसे अपने टीनियासिस डिजीज हो जाती है, जो अपने इंटेस्टाइन में मिलेगा, और फेशियोला हिपेटिका ये लीवर में डिजीज कॉज करता है। तो इस तरीके से ये जो चपटा सा है, जैसे टेलर का जो टेप होता है ना, इंच टेप, उसकी तरह दिखता है। दिस इज दी फेशियोला हिपेटिका फाउंड इन लीवर एंड कॉजेज दी डिजीज। द नेक्स्ट वन इज फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस जो है इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो सर्कुलर नजर आएगा। सो एस्केहेल्मिन्थीस आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम। सो व्हाट विल यू सी, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम। सिलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। So the body of these organism is circular in cross section, so it is called roundworm. They may be free living उन्हें स्वतंत्र हो सकते हैं, aquatic पानी में मिल सकते हैं, terrestrial जमीन में मिल सकते हैं, parasitic in plants and animals. Some examples belongs to plant parasite and some animal parasites. They have organ system level of organization. इनमें जो है organ system level develop हो जाता है। They are bilateral symmetrical. इनकी जो symmetry है वो bilateral होती है। It means it can be cut into equal parts from a single plane. Triploblastic means it is made of ectoderm, mesoderm and endoderm. Metamerically segmented and pseudocoelomic animals. Pseudocoelomic means सिलोम इज नॉट ट्रू। सिलोम जो रहती है ट्रू नहीं होती है इसमें। द एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड एंड कम्प्लीट। कम्प्लीट मीन्स एनस और माउथ जो होता है दोनों प्रेजेंट रहते हैं। दैट हैज मस्कुलर फेरिंग्स, और इसका जो फेरिंग्स होता है मस्कुलर रहता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब कॉल्ड रेनेट सेल, दिस इज द स्पेशल सेल, एच शेप की होती है इसके अंदर। रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। You can see sexes are separate. ये dioecious nature के होते हैं, मतलब male और female अलग रहता है। Often females are longer than males. Female जो होती है male के comparison में लंबी रहती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका एक distinguished feature है। So you can say the fertilization is internal and development may be direct. May be direct means larva is present or absent, it will decide the type of fertilization. If present, indirect development. If absent, then development is direct. Examples are Ascaris. Isko roundworm bhi bolte hain. Ye apne intestine mein milti hai. Wuchereria, filaria worm. Isse hathi paav rog ho jata hai. Isko bolte hain elephantiasis. Encyclostoma. Isko hookworm ke naam se bhi jante hain.
छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, ये भी अपने इंटेस्टाइन में मिलते हैं।